भारतीय व्यापारी गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आए लगभग एक महीना बीत चुका है, लेकिन गौतम अडानी और अडानी समूह की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी समूह को भारी नुकसान की भरपाई करनी पड़ी है। आज भी शेयर मार्केट में अडानी समूह के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कही गई एक भविष्यवाणी भी सच होते दिख रही है। आपको हम इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि हिंडनबर्ग द्वारा की गई ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जो भारत में सही होते दिख रही है, और आपको ये भी बताएंगे कि शेयर मार्केट के शहंशाह रहे गौतम अडानी की अब कुल संपत्ति कितनी रह गई है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को आई थी, जिसके बाद आज तक लगभग एक महीना पूरा हो चुका है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी समूह के शेयर मार्केट में लिस्टेड 7 प्रमुख कंपनियां 25% तक ओवर वैल्यूड हैं, और हिंडनबर्ग के इस दावे के बाद से ही अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, और एक महीना बीतने के बाद भी अडानी के शेयरों में गिरावट जारी है, और हिंडनबर्ग का दावा भी अब सच होता दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में अडानी ग्रुप के 3 शेयर में लगभग 85% तक गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। मतलब यह उतनी ही गिरावट है जितनी ओवर वैल्यूड होने की बात हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कही थी। बिजनेस टुडे में छपी एक खबर के अनुसार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में गिरावट आई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अडानी टोटल गैस की 24 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी बंद भाव से अडानी गैस अब तक अपनी 80% तक की गिरावट दर्ज करा चुकी है। 24 जनवरी को अडानी टोटल गैस के शेयर की प्राइस 3885 के आसपास थी, जबकि गुरुवार 23 फरवरी को दोपहर 2 बजे करीब कंपनी का शेयर 5% की गिरावट के बाद 793 रुपये के आसपास आ गया। इसी तरह से अब तक अडानी टोटल गैस का शेयर प्राइस 24 जनवरी के बाद से लगभग 74% तक टूट चुका है। अडानी ग्रीन्स 23 फरवरी को 5% तक टूटकर 512 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जबकि 24 जनवरी को अडानी ग्रीन्स का शेयर 1914 रुपये के आसपास बंद हुआ था। इसके साथ ही अडानी ट्रांसमिशन में भी 24 जनवरी से अब तक 74% तक की गिरावट दर्ज की गई है। 24 जनवरी को अडानी ट्रांसमिशन की शेयर प्राइस 2756 रुपये के आसपास थी, वहीं गुरुवार को 794 रुपये के आसपास दर्ज की गई। अडानी समूह की इन कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट से अडानी समूह की कंपनियों की मार्केट वैल्यू लगभग 11.6 लाख करोड़ रुपये कम हो चुकी है। अडानी समूह की सभी कंपनियों का मार्केट कैप 7.5 लाख करोड़ के आसपास है। फिलहाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के एक महीने बाद भी अडानी समूह गिरकर उठने में सफल नहीं हो पाया है। हमारे द्वारा अडानी समूह के शेयरों में दी गई जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।